बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, लेक्चर नंबर 17 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया और इससे हमने दो टॉपिक्स डिस्कस किए थे और माशाल्लाह आप लोगों को समझ आ गया, बहुत अच्छा फीडबैक मिला। बस आज हमने उन्हीं कुछ टर्मिनोलॉजीज को यूज़ करना है और हमने एक इमेज फार्मूला जो है वो क्या करना है, ड्राइव करना है, और उसके बाद हमने उसकी हेल्प से क्या करना है, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल बहुत इसके इंपॉर्टेंट है, आपके पास बोर्ड में इसका न्यूमेरिकल लाजमी आता है, लिहाजा आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है। और इसमें जो समझने वाली बात है वो सिर्फ दो साइंस की है कि हमने कहाँ प्लस लेना है और कहाँ माइनस लेना है। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जो डिस्कस किया था वो मैंने आपको डिस्कस किया था कि आपके पास दो टाइप के जो है वो मिरर थे, जिसमें आपके पास एक था कंकेव मिरर और एक था कन्वेक्स मिरर। तो अगर कंकेव मिरर की आप बात करते हैं तो मैंने आपको कहा था कि रिफ्लेक्ट होकर चीज़ कहाँ आती है, वापस आती है, रिफ्लेक्ट होकर चीज़ कहाँ आती है, वापस आती है और सेम मीडियम में आती है। और हमने इसको कहा था कि ये कौन सा मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर है। और हमने एक और बात की थी कि बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज जो है वो कैन बी फॉर्म्ड बाय दिस मिरर। अब आप ये देखें तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताने लगा हूँ कि जो भी ऑब्जेक्ट आप लेते हैं उस ऑब्जेक्ट से लेकर मिरर तक का फासला जो होगा, डिस्टेंस जिसको हम कहते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे पी से। ऑब्जेक्ट से लेकर मिरर तक का जो डिस्टेंस होगा इन अ सेंटीमीटर, उसको हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रिप्रेजेंटेड बाय पी। वो जो फोकस पॉइंट होगा वहां से लेकर मिरर तक का जो फासला होगा उसको हम क्या कहेंगे, फोकल लेंथ। और जिस जगह पर इमेज बन रहा होगा उससे लेकर ऑब्जेक्ट मिरर तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे, इमेज डिस्टेंस। तो लिहाजा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू ऑब्जेक्ट पी, इमेज क्यू और फोकल लेंथ स्मॉल एफ से, स्मॉल एफ से, ठीक है। जाहिर बात है मिरर के सामने कोई तो ऑब्जेक्ट होगा, लेट्स सपोज मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, मैं जिस मिरर से जितनी दूरी पर खड़ा हुआ हूं तो मेरा जो डिस्टेंस होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पी से, उसके बाद मेरा इमेज जहां बन रहा है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे क्यू से, और फिर फोकल लेंथ यानी कि वो जहां पर लाइट फोकस करेगी वहां से लेकर जो पोल तक का यानी कि मिरर तक का जो फासला होगा उसको कहेंगे। अब जो सवाल यह है कि हमने कंकेव मिरर में इनको कैसे लेना है और कन्वेक्स मिरर में इनको कैसे लेना है। अगर तो आता है कि कंकेव मिरर और दूसरा क्या है, कन्वेक्स मिरर। कंकेव मिरर के अंदर ऑब्जेक्ट यानी कि पी वो क्या होगा, पॉजिटिव, और यहां भी क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट मिरर के सामने ही होगा। अगर तो ऑब्जेक्ट मिरर के सामने है तो पॉजिटिव है, और तकरीबन 100% केसेस में हम ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने ही रखते हैं तो वो हमेशा पी जो है वो ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव इमेज। अगर तो वो कंकेव में उसने कहा था बोथ रियल एंड वर्चुअल, अब रियल तो है वो जो सामने बन रहा है और वर्चुअल मैंने आपको बता दिया था, बहुत अगर करीब बजे कंप्लीट इमेज ना बन रहा हो तो हमें फील होगा तो वो पीछे कैसे कंप्लीट हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ इमेजेस कैन बी फॉर्म। बट इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, क्योंकि इमेज बनता ही बिहाइंड द मिरर है, आपको याद होगा मैंने लास्ट सेक्शन में भी बताया कि हमें फील होता है कि मिरर के पीछे से कहीं लाइट या वो पॉइंट आ रहे क्योंकि आगे तो डाइवर्ज हो जाता है, तो लिहाजा ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव इन अ कन्वेक्स मिरर, ठीक है, जिसको कहेंगे क्यू। और जो फोकल लेंथ है वो हमेशा
कंकेव मिरर में क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि टकराने के बाद रे हमारे पास वापस आती हैं और हमारे ही मीडियम में आती हैं, तो लिहाजा वो रियल है। और यहाँ क्योंकि हमें रे मिलती नहीं है, वो तो डाइवर्ट हो जाती है और हम कंसीडर करते हैं कि ये पीछे कहीं से पॉइंट सोर्स से आ रही हैं और आते आते फैल गई हैं, वो बिहाइंड द मिरर क्योंकि चले जाते हैं, तो हम ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। अब ये बात समझ लें कि पी हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि इन फ्रंट ऑफ मिरर होता है, इमेज कन्वेक्स में जो हर हाल में नेगेटिव होगा, कंकेव में अगर तो वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो पॉजिटिव यानी रियल इमेज बन रहा होगा, अगर क्यूब का आंसर सॉल्व करते हुए नेगेटिव आ जाते तो हम कहेंगे कि वर्चुअल इमेज फॉर्म बाय दिस मिरर, और जो फोकल लेंथ है वो कन्फर्म इसमें पॉजिटिव ही होगी और उसमें क्या होगी नेगेटिव। बात समझ में आ गई। अब डाटा किस तरह देखा होगा, इमेज अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड बाय अ कंकेव मिरर, अपनी कंकेव मिरर, तो इसका मतलब है क्यूब वर्चुअल का वर्ड आ गया, इसका मतलब है कि क्यूब क्या है नेगेटिव है। अगर वो कहते हैं इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड का मतलब कि पीछे हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि आप कहेंगे वर्चुअलिटी की बात हो रही है। अगर वो कहते हैं इमेज इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ अ मिरर तो आप क्या कहेंगे पॉजिटिव, इसमें तो बनना ही नेगेटिव है, क्यूब आपने नेगेटिव ले लिया, फोकल लेंथ लेनी नेगेटिव है और पी आपने पॉजिटिव ले लिया, इसको अब इन्हीं टर्मिनोलॉजीज को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। अब हम इसको क्या करेंगे, अप्लाई करते हैं कहाँ पर हमारे पास क्या ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है न्यूमेरिकल्स में, कहते हैं उससे पहले दो एग्जांपल्स हैं, उन एग्जांपल्स को जरा देखें आपको थोड़ा सा क्लियर होगा, फिर हम न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं। ये हमने डिस्कस अच्छा अब फार्मूला क्या है, पहले फार्मूला एक ड्राइव फार्मूला है, वन ओवर एफ इज इक्वल टू वन ओवर पी प्लस वन ओवर क्यू, के वन डिवाइडेड बाई फोकल लेंथ इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड प्लस वन डिवाइडेड बाई इमेज डिस्टेंस। ये हमारे पास ड्राइव फार्मूला है, हमने इसी की मदद से जो है ना हमें दो चीज़ें गिवन होंगी, तीसरे को हमने क्या करना है सॉर्ट आउट करना है, लेकिन साइन कन्वर्जेंस के साथ ये ज़रा जेहन में रख लीजिएगा, न्यूमेरिकल आसान है लेकिन अगर आपने साइन सही पिक नहीं किया तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए एग्जाम्पल 12.1, अब जैसे ही वो एग्जाम्पल या न्यूमेरिकल स्टेटमेंट देता है, जैसे उसने मिरर का नेम लेना है आपके जेहन में उसके पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं, वो कहता है कन्वेक्स मिरर। अब मैंने देखा कन्वेक्स कन्वेक्स मिरर में पी तो हमेशा लेना ही आपने पॉजिटिव है क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कन्वेक्स मिरर है तो इमेज कभी फ्रंट पर बन ही नहीं सकता, कहाँ बनेगा बिहाइंड, क्यू क्या होगा नेगेटिव होगा, फोकल लेंथ क्या होगी नेगेटिव होगी, ये हमने डाटा पिक करते हुए उन वैल्यूज के साथ नेगेटिव लगा देना जिनका हमें पता है और जिनके साथ प्लस है वहाँ प्लस है, नहीं चला हमारा न्यूमेरिकल ठीक होगा। ओके पढ़ते हैं कि क्या होगा, रिफ्लेक्ट करता है लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट प्लेस 66 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये हुआ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हो गया 66 सेंटीमीटर प्लस में लेंगे क्योंकि पी जो है वो प्लस में होता है, इन फ्रंट ऑफ अ मिरर द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 46 सेंटीमीटर। अब उसने 46 के साथ माइनस नहीं दिया, उसने एक वर्ड दिया कन्वेक्स मिरर, मुझे पता है कि कन्वेक्स मिरर में क्या होता है एफ नेगेटिव होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ में भी फोकल लेंथ क्या होती है नेगेटिव, तो मैं खुद से साइन क्या करूंगा पुट करूंगा -46 सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया था सारी चीजें जो है वो सेंटीमीटर्स में, फाइंड द लोकेशन ऑफ द इमेज और लोकेशन ऑफ द इमेज का मतलब होता है क्यू, क्यू फाइंड आउट करना मुझे बताएं कन्वेक्स मिरर में क्यू क्या चाहिए नेगेटिव, तो आपके पास इसका आंसर नेगेटिव आना ही चाहिए। पुटिंग द वैल्यू इन द गिवन फार्मूला 1 ओवर f इज इक्वल टू 1 ओवर p प्लस 1 ओवर q, इससे पहले बात ज्यादा सफल है, हमें तीन चीजें गिवन है मतलब फार्मूला के अंदर तीन चीज़ें जो रिक्वायर्ड है, उसके साथ हमें दो गिवन होती है, एक हमने फाइंड आउट करनी थी, जो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है पहले उसको तो आप सेपरेट कर लें, सेपरेट करते हुए आपने थोड़ा मैथ्स का थोड़ा ख्याल रखना है कि क्यू की वैल्यू का अगर मैं इधर लेकर आऊँगा क्यू यानी कि वहीं रखेंगे तो ये होगा 1/f - 1/p, इसके तरीके क्या होते हैं जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है उसको वहीं छोड़ दें, ये वाली चीज़ उधर जाकर माइनस हो गया। ये स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 1/p इधर ले आते हैं -1/f करते हैं, नो 1/f ऑलरेडी वहीं पर है, 1/p उधर जाकर माइनस हो रहा है तो 1/f -1/p। अब 1/q इज इक्वल टू 1/f, f की वैल्यू हमारे पास है 46, 46 के साथ माइनस वो मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया, माइनस ऊपर शिफ्ट करें नीचे शिफ्ट करें कोई फर्क नहीं पड़ता, साइड पर लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस ऊपर नीचे दोनों के लिए होता है। फिर माइनस p की वैल्यू क्या है 66, 1/66, इसको आपने जो है वो इजीली सॉर्ट आउट कर लेना है, तो हमारे पास जो 1/q निकलता है वो निकलता है -1/27। हमने क्यू के निकालना है, क्यू हमें 1/q नहीं चाहिए,
हमें क्या चाहिए, क्यों चाहिए, तो हमने फाइनल आंसर को क्या करना है, रेसिप्रोकल कर देना है। जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास क्यू इज इक्वल टू -27 सेंटीमीटर आंसर आएगा। और मैंने आपको पहले बता दिया था कि क्यू का आंसर किस में आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए, क्योंकि ये कौन सा मिरर है, कन्वेक्स। ठीक हो गया। एग्जाम्पल देखें, 12.2 ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया 6 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर है तो पी तो हो गया 6 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितनी होगी 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ क्या होगी प्लस होगी। और उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना है, गिवन दैट हमें दिया गया कि हमने क्यू फाइंड आउट करना है। अब ये देखें कि 1 ओवर क्यू इज इक्वल टू 1 ओवर एफ माइनस 1 ओवर पी। जी पी हमें क्या दिया हुआ जी 6 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ हमें क्या दी हुई है 10 सेंटीमीटर, दोनों क्यू पॉलरी है, कंकेव मिरर है। फाइंड आउट क्या करना है, इमेज लोकेशन। अब देखते हैं कि क्या होता है, 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू, 1 ओवर क्यू इज इक्वल टू 1 ओवर एफ माइनस 1 ओवर पी। वी विल पुट द वैल्यूज। अच्छा, अब इसको मैं सॉल्व करने का तरीका भी आपको समझा रहा हूँ कि आपने क्या करना है, दोनों वैल्यूज को नीचे एज इट इज उतार लेना है मल्टीप्लीकेशन में, एलसीएम ले रहे थे ना। अच्छा, अब 10 से क्रॉस हो गया 6 इधर चला गया, 6 से क्रॉस हो गया 10 इधर चला गया, आपके पास क्या बचा है -4/16 1 ओवर क्यू। ये सबसे आसान तरीका है, इसको पॉइंट्स में नहीं लेकर जाना आपने, सारे न्यूमेरिकल्स कैसे करेंगे, 4 × 4, 4 × 15 = 16, तो 1 ओवर q इज इक्वल टू -1 ओवर 15। हमें क्या चाहिए, q दोनों तरफ रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास q इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर आएगा। अब क्योंकि q का आंसर क्या आया, माइनस है, मिरर कौन सा था, कंकेव था, कंकेव में इमेज क्या बन सकता है, नेगेटिव बन सकता है। तो हम नीचे स्टेटमेंट लिखेंगे कि नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द इमेज इज virtual, that is behind the mirror. बात समझ में आ गई कि कंकेव मिरर में अगर तो प्लस बन रहा तो रियल इमेज इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रहा, और अगर वर्चुअल बन रहा तो कहेंगे नेगेटिव साइन ये बताता है कि ये। अच्छा, फिजिक्स के अंदर जो नेगेटिव साइन होता है वो हमेशा डायरेक्शन को शो कर रहा होता है। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं अपने आप को अगर पॉजिटिव ले रहा हूँ तो मेरी ऑपोजिट साइड नेगेटिव होगी। नेगेटिव का मतलब ये नहीं होता कि क्वांटिटी नेगेटिव होगी, क्योंकि लेंथ है, ये सारे डिस्टेंसेज हैं और डिस्टेंसेज कभी भी माइनस में नहीं होते, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो नेगेटिव साइन से ये बता रही है कि हमारे सामने इमेज नहीं है, इमेज कहीं बिहाइंड द मिरर है, और इसको हम जो बिहाइंड द मिरर होगा उसको हमने क्या कहा, वर्चुअल कहा था। इसकी ज्यादा टर्मिनोलॉजी क्या यूज करेंगे, वर्चुअल इमेजेस फॉर्म दैट इज बिहाइंड द मिरर। क्लियर हो गया। अब इसी तरह के हमने न्यूमेरिकल करने, कोने जी पेज नंबर 66 उसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, आज हम 3 न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं इसके और देखते हैं, और साथ साथ आप इसको तैयार करते रहें। माइनस में है तो ये आपने यहाँ पर अभी माइनस लिखना है, ये वाला माइनस में ऊपर
शिफ्ट करते हैं। रीअरेंज करेंगे 1/f, 1/10 प्लस माइनस माइनस 1/5, और मैंने आपको बताया था कि आपने इन दोनों को क्या है नीचे उतार लेना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देनी है। अब इसको आप कैंसिल आउट करेंगे, 5 × 5, 5 × 10 = 50, माइनस 1/10, हमने f निकालना है, रेसिप्रोकल करेंगे माइनस 10 सेंटीमीटर, देख लेंगे आंसर में माइनस 10 सेंटीमीटर है और माइनस ई आना चाहिए था क्योंकि मिरर कौन सा था, कन्वेक्स। नोट कर लिया आपने जी। आगे आ जाइए 12.2, एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल। अच्छा अब एक चीज और हम आपको बताएंगे, अगर टॉल यानी कि हाइट की बात होगी तो दो तरह की होगी, या तो ऑब्जेक्ट की हाइट होगी या इमेज की हाइट होगी, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट होगा तो हम हाइट को रिप्रेजेंट करेंगे ओ से, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है 30 सेंटीमीटर और 10.5 सेंटीमीटर कंकेव मिरर से दूरी पर है, पी कितना है 10.5 सेंटीमीटर विद फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर, f इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की हाइट दी है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दी है और फोकल लेंथ दी है, क्यू का कंकेव मिरर है, लिहाजा ये दोनों वैल्यूज मैंने क्या लिए प्लस में लिया। वेयर इज द इमेज लोकेटेड, क्यों फाइंड आउट करना है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है कंकेव की सूरत में, और उसी इमेज की हाइट यानी कि एच आई भी क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। ओके जी फाइंड आउट करते हैं जी। वन ओवर एफ इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, 1/q इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/p, 1/q इज इक्वल टू 1/16 माइनस 1/10.5 माइनस 5.5 डिवाइडेड बाय 168.168, और इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने से पहले आप इसको क्या करेंगे रेसिप्रोकल कर लें, 168 डिवाइडेड बाय 5.5 माइनस में और ये आएगा माइनस 30.454 सेंटीमीटर। क्या हुआ जी नेगेटिव साइन आया, वही स्टेटमेंट लिखेंगे, नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द इमेज इज सिचुएटेड इन बिहाइंड द मिरर दैट इज वर्चुअल। ओके सिंपल सी कैलकुलेशन है, सिर्फ आपने साइन उठाने हैं प्रॉपरली, उसके बाद इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं है। अब जो दूसरा पार्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि आपने हाइट ऑफ इमेज भी निकाली है, जो इमेज है वो कितना ऊंचा बना है उसकी हाइट क्या है, उसके लिए जो फार्मूला है वो जरा समझ लें, वो आगे भी इस्तेमाल होगा। ये रेशियो होती है और रेशियो किसकी, मैग्निफिकेशन, मतलब ऑब्जेक्ट हमेशा आप ये देखें, अगर मैं अपनी लेंस की बात करूँ, ऑब्जेक्ट मेरा अगर मेरी अपनी हाइट होगी वो 5.7 एक फिक्स्ड है, मैं अपनी पिक्चर को बड़ा भी कर सकता हूँ और छोटा भी कर सकता हूँ, इसका मतलब है इमेज जो है वो छोटा और बड़ा किया जा सकता है, मैग्निफिकेशन का जो एक प्रोसेस है उसके द्वारा, और वो क्या होती है रेशियो होती है इमेज टू ऑब्जेक्ट, तो क्यू ओवर पी यानी हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो आपके पास ये फार्मूला होता है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और इसको हम एंड में वैसे कहते हैं मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या है कि इमेज की रेशियो ऑब्जेक्ट के लिहाज से, तो इमेज पहले आएगा तो इसी तरह इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट के लिहाज से उस दोनों के जो रेशियो है उसको हम क्या कहते हैं मैग्निफिकेशन कहते हैं। इसी फार्मूले को यूज करेंगे तो हमारे पास हमने क्या निकालना है एच आई निकालना है, तो एच आई इज इक्वल टू क्यू ओवर पी मल्टीप्लाई बाय एच ओ हो जाएगा, एच आई जो है वो क्यू, क्यू कितने हैं कि हमारे पास जो कि अभी हमने निकाला था 30.54, अब 30.54 के साथ तो था माइनस, मैंने आपको बताया था कि माइनस ओनली इंडिकेट कि रियल बन रहा है कि वर्चुअल बन रहा है, वो वैल्यू का पार्ट नहीं होता क्योंकि हम हाइट निकाले जा रहे हैं, हाइट नेगेटिव हो सकती है, मतलब अभी मैं ये हूँ और उसके बाद मैं माइनस होती हूँ तो मैं किधर हूँ नीचे हूँ, नहीं नेगेटिव साइन
आपने साथ नहीं लेना, सिर्फ वैल्यू लेनी है। पी की वैल्यू कितनी है आपके पास 10.5 और ऑब्जेक्ट की जो हाइट थी वो कितनी थी आपके पास 30। इनको कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो आंसर आपके पास 87.26 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आप ये देख लें ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो 30 थी तो इमेज जो है वो क्या बना। अब यहाँ से मैं आपको एक बात समझाने लगा, जरा गौर से देखिएगा। जो डाटा किया उसमें ऑब्जेक्ट की हाइट थी 30 सेंटीमीटर टॉल, जो उसका इमेज बनता है वो 87.26 सेंटीमीटर टॉल बनता है। वो कब बनेगा टॉल, जब वो क्या हो जाएगा इमेज बहुत बड़ा हो जाएगा, और जिस बड़े इमेज को हम समराइज कर ना देख पाए तो हम कहते हैं बाकी पार्ट किधर होगा, बिहाइंड द मिरर होगा। लिहाजा क्यू की वैल्यू के साथ हमारे पास क्या आएगा, माइनस आएगा, कि ये इमेज बड़ा जब भी इमेज बनेगा वो वर्चुअल बनेगा। जैसे साइन बोर्ड आपने देखा है जो रास्ते में चलते हुए आप देख रहे होते हैं, डिफरेंट कंपनीज के एडवर्टीजमेंट बोर्ड जिसको साइन बोर्ड कहते हैं, वो बहुत बड़े लगे हुए होते हैं। उसको आप एक बहुत दूर के डिस्टेंस से देखते हैं तो कंप्लीट होता है। आप उसके नीचे खड़े हो आपके आप कहेंगे नहीं मैंने कंप्लीट साइन बोर्ड पढ़ लेना, पॉसिबल नहीं है। जितना पार्ट आपको नजर आएगा सो आएगा, जो नहीं आ रहा होगा वो किधर जाएगा, वर्चुअल में जाएगा। या तो आपको अपने आप को पीछे करना पड़ेगा उसको कंप्लीट करने के, या उसको आपको पीछे लेकर जाना पड़ेगा। और ये इसी चीज को हम क्या कहते हैं, वर्चुअलिटी कहते हैं। ओके जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें, लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ द डे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।